point after a year and a half where you want to kill each other and change. Very different perspective of love. It's more evolved, it's more deep, it's more real, it's more raw. And that also means that I'm possible. दोस्तों, ऐसे तो बॉलीवुड सितारे अक्सर अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ के लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसने इनो मीडिया में बहुत ट्रोल देखा जा सकता है, लेकिन आपने गंदी हरकतों से पास नहीं आते। इन फिल्मी सितारे लाइफ से जुड़े कहनन सुने अनदेखा, इन्हें इन आपने तक ही सीमित रखते हैं और बाद में ये बॉलीवुड सितारे अपने झूठ सान का देखावा करते हैं। आज हम इस वीडियो में कहीं लुकी हुई अनसुने राज खुलने वाले हैं हम। अपने देख लिया होगा कैसे ये ठगी बुद्धा इन आपने बेटी समान की बच्ची से कैसे हरकत कर रही है। ये तो मानना पड़ेगा ये बुद्धा एक जानामना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, लेकिन देखिए फिल्म में काम पाने की चाहत में आपने शरीर इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देना पड़ता है और जब तक फिल्म का शूट खत्म नहीं होता तब तक न जाने कितनों के साथ सोना पड़ता है। एक हीरोइन चर्चा में आने के लिए और फिल्मों में काम पाने के लिए इतना आसान नहीं है, ये वीडियो देख के जान लिया होगा। आज बॉलीवुड स्टार बनना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ स्टार बनने के लिए कितनों की साथ सोना, सबको मनाना और खुश करना पड़ती है। इस वीडियो देख के पता चल चुकी होंगे ये बुद्धा आलिया भट्ट की पिता महेश भट्ट है। न जाने इस बुद्धे ने कितनों की जिंदगी बर्बाद किया होगा, ये तो भगवान जाने। चलते हैं अब नंबर दो पर। आपने ये मूवी तो देखा ही होंगे। आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो खत्म होने के बाद YouTube में जाके देख लेना और इस मूवी के नाम में वीडियो के बीच में बता दूंगा। आज बॉलीवुड एक एडल्ट कंटेंट बन चुका है। आज ज्यादातर कुछ सीन नंगा दिखाकर दर्शकों से करोड़ों रुपया वसूलते हैं। आज इस सीन ने तो आपको आंखें खोल दिया होगा। देखिए किस तरह का कंटेंट आज बॉलीवुड पेश कर रहा है। इसकी असर आज देश की जनता, मासूम बच्चों और देश की भविष्य में असर पर रही है। अब तो ये बॉलीवुड की फिल्म फैमिली के साथ बैठ कर देखना भी शर्म होने लगी है। कृपया ऐसे फिल्म को बढ़ोबा ना दें और एक अच्छी कहानी, ज्ञान और मोटिवेट करने वाला मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ियों को कुछ अच्छा ज्ञान, शिक्षा देके देश की भविष्य बचा सके। अरे वाह, इस हमारा हीरो अक्षय कुमार को अब तो सलाम देना ही पड़ेगा। आप खुद बताइए कैसे अपना पिता समान की उम्र वाली आदमी को थप्पड़ मार सकता है। बेशरम नाम की चीज नहीं है क्या? इन बॉलीवुड की कुछ ना फेम पैसा होते तो ये बॉलीवुड कुछ भी कर सकता है। आपने अभी देखा ही होगा सारा मीडिया के सामने कैसे मारा बेचारा मासूम सा देखने वाला हमारा महान कलाकार अनुपम खेर। इनको पता भी नहीं चल रहा होगा इसने क्यों मेरे को थप्पड़ मारा। दरअसल ये इंटरव्यू के दौरान मीडिया के सामने हुआ था। ये एक मीडिया वाले कैसे झूठे खबर फैलाते हैं, इस तरह का झूठ अफवाह मीडिया वाले अब ना फैलाया जाए, इसलिए अक्षय ने अनुपम को चाटा मारने का एक नाटक किया था। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबा दें। इस तरह का खबर जल्दी देखने के लिए आप चलेंगे नंबर चार पे। सर्जरी, हाँ ये सर्जरी कमाल की होती है, सब पैसा वालों की खेल है। जीवन में पैसा है तो क्या कुछ कर नहीं सकता, बस पैसा जरूर होना चाहिए। किस तरह बॉलीवुड हीरोइन अपना कुछ नहीं मिली हुई बॉडी पार्ट कैसे सर्जरी के सहायता से खुद को सुंदर बनाती है। और एक बात देखे, पहले प्रियंका चोपड़ा कैसा था, अब सर्जरी के बाद कैसे खूबसूरत नजर आती, ये तो कमाल है भाई। किस किस को पसंदीदा हीरोइन है नीचे कमेंट कर लेना। इस वीडियो देख के पता चला होगा एक सेलिब्रिटी रातों रात किस तरह सुंदर, चमकदार और खूबसूरत बनते हैं।
इस वीडियो देख के अंदाजा लगाया होगा। अब देखिए ये सब का पसंदीदा हीरोइन नोरा फतेही, इन हीरोइन ने क्या सर्जरी किया है आप सब लोग को पता होनी चाहिए, नहीं भी है तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इस हीरोइन नोरा ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पिछवाड़ा प्लास्टिक सर्जरी किया था। हाँ आपने सही सुना, खुद को खूबसूरत बनाने के लिए पिछले भाग मोटा और बड़ा बनाया था। ये देख के फिदा मत होना मेरे भाई बहनों, ये सब प्लास्टिक सर्जरी की कमाल है, ये रियल नहीं है लेकिन लगता रियल है, अब तो जान लिया होगा। नंबर 5 में जाने से पहले मैंने बताया था वो दो फिल्म की क्लिप किस फिल्म का है, आप लोग प्रतीक्षा कर रही होंगी इसलिए बता देता हूँ। वो दो मूवी पहला लस्ट स्टोरीज और दूसरा रागिनी MMS2 है। अब वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। अब ये सीन देखिए, इसमें तो बॉलीवुड कहीं का भी नहीं छोड़ा, हर तारा एडल्ट कंटेंट ये क्लिप में तो साफ साफ दिखाया है। सच में आज हमारी बॉलीवुड बिगड़ चुकी है, इसलिए अब तो फैमिली के साथ फिल्म देखना भी शर्म आने लगी है। आप खुद बताओ क्या इस तरह का मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो? बिल्कुल फैमिली के साथ तो बिल्कुल देखा नहीं जाता, इसलिए बता रहा हूँ हम भारतीयों मिलके इस खराब इंडस्ट्री को सुधारना होगा। धन्यवाद मेरा दोस्त, ये वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण यह तक बनाना पड़ा, इसका दूसरा भाग जल्दी वापस लेकर आऊंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।